कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी लास्ट में जाते जाते भी दिए थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज फंक्शन ऑफ टाइम एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। चलो बना इसको खुद से, कितना 18 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, और आंसर आने दो। 9 मीटर पर सेकेंड और आंसर आने दो। एक्सेलरेशन है भाई 3t, तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं डीवी बाई डीटी इज इक्वल टू 3t। तो क्या यहां से डीवी इज इक्वल टू लिखते हैं 3t डीटी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ t डीटी। लिमिट देखो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0 टाइम, वी वेलोसिटी 6 सेकेंड। क्या ये लिमिट समझ में आया सबको? वेलोसिटी 0 से भी, रेस्ट से भी, और टाइम 0 से 6। नाउ यू हैव इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन भी 0 से लेके भी तक 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 6 तक। सो इट इज वी माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। सो वी इज इक्वल टू 3 इंटू 36 बाई 2, इसे ये कटा भाई 18 3 54। क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्यों नहीं समझे? कैसे आ गया 9? अरे बताओ क्या गलती हुआ, इतना शांति क्यों, गलती होता है बोलो। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया ना, क्या ये समझ में आया? यस सर। चलो ठीक, नोट करो, अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एक और टॉपिक है उसको खत्म करने का। सर हाँ बोलो सर, लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड करवा दिया। हाँ बस खाली एक्चुअली 2 दिन में रिजल्ट निकला ना, तो सब कोई रिजल्ट में व्यस्त है, एक दिन और रुक जाओ, एक दिन कल या परसों में जरूर हो जाएगा। ओके बता देना क्यों नहीं आए थे केवल, अब आना भी तो नहीं है, घर में ही पढ़ना, खाली ऑन करना, क्यों ऑन नहीं किए थे क्लास ये बताओ। लास्ट क्लास से आए थे, मेरा वो नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तुमको कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था ठीक से, अच्छा सुधार नहीं पाए थे, ठीक मेरा वो प्रॉब्लम है। ठीक हम उसको भिजवा देंगे। हाँ और मान लो जैसे होता है ना, तो देखो तुम लोग अपने में सब कोई फ्रेंड है, तुम लोग सब कोई नए नए स्टूडेंट हो ना। अच्छा ठीक है, हमें ना जो हम लोग के सेंटर इंचार्ज है जो इसको क्लास को भी मॉनिटर करते हैं, हम उनको बोल देंगे ना, तुम लोग बैच का है ना स्क्रीनशॉट रखेंगे। हाँ अगर आपको जरूरत पड़ेगा सीधा उनको कॉल करके उनसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का एप्लीकेशन, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। क्या लिखा हुआ हम उसका मीनिंग तुमको समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, हम तुमसे ये बोले पहले कुछ बहुत बेसिक चीज देखो, फिर उसके बाद आपको बताएंगे बड़ा चीज। डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट्स, सो
so that product is maximum, ताकि product maximum. तो बोला गया 10 को दो हिस्से में डिवाइड कीजिए ताकि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो. तो हम 9-1 कर सकते हैं, हम 8-2 कर सकते हैं, हम 7-3 कर सकते हैं, हम 6-4 कर सकते हैं, हम 5-5 कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ाए तो उल्टा होता है. तो जरा मल्टीप्लीकेशन देखना, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 21 हो गया, यहाँ 24 हो गया, 25 हो गया. तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये वाला ना होगा, क्या ये बात समझे कि 10 को दो हिस्सा में डिवाइड कर दो, 5-5 कर देंगे तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैक्सिमम होगा. यस सर. ठीक. अच्छा इसको थोड़ा फिजिक्स के लेवल में ले आ. मान लो लेट y as function of x. मान लो y x का फंक्शन है और वो कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है और वो दूसरे फंक्शन में y as a function of x. मान लो यहां y जो है वो function of x है और यहां पे y जो है वो function of x है, ये 2 है, ये 2 है वो 1, और यहां पे ये ऐसे वैरी कर रहा है. इस वैरिएशन का कंडीशन ये है कि तुम देखना जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, करेक्ट बोल रहे हैं. लेकिन x के एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंच के तुमको y का जो वैल्यू मिलेगा वो y का मैक्सिमम होगा. क्या बोलता है, समझ में आया क्या? Yes, क्योंकि उसके बाद अगर आप x को बढ़ाइएगा तो फिर से ये घटने लगेगा. इसी तरह यहां नीचे वाले में जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा वैसे वैसे y घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और अल्टीमेटली तुमको एक ऐसा x मिलेगा जहां y का वैल्यू मिनिमम होगा. यहां y का वैल्यू होगा मिनिमम. क्या बात को समझ रहे हैं? ठीक है. अब अगर कोई तुमसे ये बोले कि y जहां मैक्सिमम है वहां पे स्लोप बताओ, तो तुम जरा गौर करो, जहां y मैक्सिमम है वहां स्लोप के लिए आप टेंजेंट बनाएंगे और ये जो टेंजेंट होगा क्या उसका स्लोप जीरो है? Yes, sir. और स्लोप को तो हम लोग dy by dx कहते हैं ना, इसका मतलब dy by dx जीरो है. सिमिलरली जहां y मिनिमम है वहां तुम टेंजेंट बनाओ तो क्या इस टेंजेंट का फिर से बोलो स्लोप जीरो है, मतलब dy by dx का वैल्यू जीरो है. हम कहना ये चाहते हैं दोनों फिगर में, हम तुमको एक चीज कहना चाहते हैं कि अगर y x का फंक्शन है तो y जहां मैक्सिमम होगा वहां भी dy by dx जीरो होगा, y जहां मैक्सिमम होगा वहां भी dy by dx जीरो होगा, और y जहां मिनिमम होगा वहां भी dy by dx जीरो ही होगा. सो बेसिक पॉइंट जो हमको बोलना है और जिस पे आप आगे काम करेंगे वो ये है कि अगर y इज फंक्शन ऑफ x देन फॉर y इक्वल्स टू मैक्सिमम, याद रखिएगा कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और y का वैल्यू अगर मिनिमम है तो भी याद रखिएगा कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होगा. क्या तुमको ये लाइन समझ में आया कि अगर y x का फंक्शन, अगर y x का फंक्शन है तो चाहे हमको y का मैक्सिमम निकालना रहे या मिनिमम निकालना रहे दोनों ही केस में उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा. जिनको सेकंड नहीं समझ में आया था अभी समझ में आया, हम क्या बोले? ठीक है. तो देखो कहना क्या चाहते हैं उसको अब समझो. मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन ले, क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3t² - 4t. तुमसे बोला गया फाइंड टाइम व्हेन velocity is
वेलोसिटी इज मिनिमम। आप ऐसा टाइम निकाले जहां वेलोसिटी मिनिमम हो, आप ऐसा टाइम निकाले जहां वेलोसिटी मिनिमम हो। अब हम क्या सोचे, अब हम ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब हम इसमें सोचेंगे क्योंकि मेरा वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, क्योंकि मेरा वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का एंड वी हैव वी इक्वल्स टू मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम है, तो एकदम तय रखना कि वी का जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा। क्या तुमको ये तीन लाइन समझ में आया? तो भाई अब बस छोटा सा डिफरेंशिएशन, उस डिफरेंशिएशन को कर ले, d by dt ऑफ v के जगह पे 3t square minus 4t is equals to 0, क्या ये 6t minus 4 हुआ? तो 6t is equals to 4 या t is equals to 4 by 6, कहने का मतलब टाइम है 2 by 3, 2 by 3 सेकेंड वो टाइम होगा, so t equals to 2 by 3 seconds is that time at which v is minimum, तुम्हारा velocity होगा minimum। क्या आपको ये समझ में आया यहां से यहां तक? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर दूसरे के ऊपर फंक्शन है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी दूसरे का फंक्शन है, तो याद रखिएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम पूछा जाए या मिनिमम, दोनों ही जगह उसका डिफरेंशिएशन कितना होना है? जीरो। क्यों डिफरेंशिएशन जीरो कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राफ में कि जहां वो मैक्सिमम होता है या जहां मिनिमम होता है, दोनों ही जगह टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, थीटा का वैल्यू जीरो है, इसलिए स्लोप जीरो है। और स्लोप का मतलब डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू जीरो। स्लोप का जीरो होने का मतलब है डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो होना। इज दिस क्लियर? नोट करो, अब इस पे काम करेंगे हम लोग बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 40 माइनस, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 40 माइनस 80 स्क्वायर, then find first time at which acceleration is maximum and second also find that maximum acceleration। तो क्वेश्चन दो हिस्से में डिवाइडेड है, पहले तो आपको वो टाइम निकालना होगा जहां एक्सेलेशन मैक्सिमम है और दूसरा वो मैक्सिमम एक्सेलेशन भी निकालना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का थीम, मेरा एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन है टाइम का, सो अगर हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाए मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाए जीरो। ये तीन लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो बस अब आगे सिंपल मैथमेटिक्स है। डी बाई डीटी ऑफ एक्सेलरेशन का इक्वेशन That is 40 minus 80 square is 0. तो यहां पे आ गया 4 minus 16 t is equals to 0, या 4 is equals to 16 t, या फिर t is equals to 4 by 16 and t is equals to 1 by 4 seconds. Time is equals to 1 by 4 seconds. इतना समय ये बोल, हाँ बोलो जी। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ये क्वेश्चन का फर्स्ट हिस्सा है। अब क्वेश्चन का सेकेंड हिस्सा बनाना है, हमको वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए। तो अगर आपको एक्सेलरेशन का मैक्सिमम चाहिए, तो जो आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन है 40 माइनस 80 स्क्वायर, उसमें आप टाइम के जगह पे 1 बाई 4 सेकेंड लिखें। क्या ये समझा? तो 4 इंटू 1 बाई 4
माइनस एट वन बाई फोर का स्क्वायर, वन माइनस एट वन बाई सिक्सटीन, वन माइनस एट, एट क्या हो गया, ये वन बाई टू हो गया, तो वन में से वन बाई टू माइनस कर दिया, वन बाई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा क्या था, ऑल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम चाहिए, तो जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है 40 माइनस 80 स्क्वायर, उसमें टाइम की जगह 1 बाई 4 लिखो, क्या टाइम आ गया था, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया आंसर, ठीक है। अब हम एक चीज समझाते हैं, तुम एक चीज समझना लॉजिकल, सर आप अपने से लिख देते हैं, कहीं कोई इसी क्वेश्चन में लिख देते हैं मैक्सिमम, अभी पिछला क्वेश्चन में लिख दिए थे मिनिमम, सर आपको कैसे पता चल रहा मैक्सिमम या मिनिमम। अब हम इसका दो लॉजिक तुम्हारे सामने रखते हैं, एक होता है फिजिक्स में लॉजिकल बात और एक होता है मैथमेटिकल सपोर्ट, एक होता है लॉजिकल बात और दूसरा होता है मैथमेटिकल सपोर्ट, ठीक है। अब देखो हम जैसे तुमको कुछ लॉजिकल बात करते हैं, अगर हम तुमसे बोले कि तुम अपने घर से मेरे घर कम से कम समय में सेफली कितने देर में आ सकते हो, तो किसी का आंसर होगा सर 30 मिनट, किसी का आंसर होगा सर 1 घंटा, किसी का 2 घंटे, मतलब जो जैसे रहता होगा, जितना दूर रहता होगा उसके आने जाने का जो साधन होगा उसको ध्यान में रखें। तो हम क्या पूछे कि तुम अपने घर से मेरे घर तक मिनिमम कितने टाइम में आ सकते हो सेफली, तो किसी स्टूडेंट का आंसर 30 मिनट है, किसी स्टूडेंट का आंसर 1 घंटा है, सोन सोन। लेकिन अगर हम तुमसे पूछ दें कि तुम अपने घर से मेरे घर तक मैक्सिमम कितने समय में आओगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, पता है सब कोई आंसर है नहीं, वो घर से निकलेगा, बाहर निकल के सो जाएगा, वो रोड पे खड़ा होकर बात करने लगेगा, कोई घर से निकलेगा और एकदम चींटी के रफ्तार से एंट चलना स्टार्ट करेगा, क्या आप इसका कोई भी आंसर दे सकते हैं? यही होता है, कब मैक्सिमम पूछना और कब मिनिमम पूछना, ये क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करता है। जैसे हम तुमसे बोल दे, मान लो जैसे हम तुमसे बोल दे कि देखो जी मेरे पास एक चौक का पीस है, मेरे पास एक चौक का पीस है, इसको मिनिमम कितने फोर्स से हम तोड़ सकते हैं, तो देखो हम 1 न्यूटन लगाएंगे, नहीं टूटा, टूट गया, 2 न्यूटन जैसे लगाए टूट गया, तो इसका मतलब 2 न्यूटन कम से कम फोर्स लगाने से टूट जाएगा। लेकिन अगर हम तुमसे बोलेंगे मैक्सिमम कितने फोर्स से तोड़ सकते हैं, तो सुन अगर ये 2 न्यूटन से टूटा तो 3 से भी टूटेगा, 5 से भी टूटेगा, 50 से भी टूटेगा, 500 से भी टूटेगा, तो क्या मैक्सिमम फोर्स का कोई आंसर है इसमें? नहीं है। मिनिमम का आंसर, लॉजिक समझ में आ रहा है सर? तो मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा। हाँ बिल्कुल, इन्फिनिटी नहीं, कोई भी आप बोल दीजिएगा सब होगा, 2 से ऊपर कुछ भी बोल दीजिएगा सब होगा, 2 न्यूटन में टूट गया तो सर 3 में नहीं टूटेगा, 3 में भी टूटेगा, सर 5 में नहीं टूटेगा, हाँ वो भी टूटेगा, हम यही तो बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर कोई बोल दे कि फोर्स का मैक्सिमम बताओ जिससे बॉडी टूटेगा, तो वो ऑथेंटिक क्वेश्चन ही नहीं, वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ता है। अब देखिए मान लीजिए आपके हाथ में पेन है, ठीक है, हम बोलेंगे पेन को एक मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंको कि घर के सीलिंग से टकरा जाए। अब तुम ही समझो, मान लो तुम पेन को फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से टकरा गया, अच्छा तो 12 से फेंकेगा तो नहीं टकराएगा, टकराएगा, 20 से फेंकेगा तो टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा टकराएगा टकराएगा, 10 से कम से नहीं टकराएगा, 10 से 10 में अगर टकराया था उससे कम में नहीं टकराएगा, ओके। तो इस बार क्वेश्चन ऑथेंटिक का बनेगा जब बोलेगा फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी थ्रू विच इफ योर पेन इज प्रोजेक्टेड इट विल जस्ट टचेस द रूफ ऑफ योर रूम या सीलिंग ऑफ द रूम, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल बन के हम लोग को सोचना पड़ता है, ठीक है। और अब देखिए मैथमेटिक्स इसमें तुम्हारा क्या रोल प्ले करता है, यहां देखो, यहां तुमको यह सिखा रहे हैं टू डिसाइड value of y as function of x is maximum or minimum,
हम लोग अगर ये चाहते हैं कि हम लोग डिसीजन लें मैथमेटिकली कि जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम है या मिनिमम, तो आपको थोड़ा मैथमेटिकल काम करना पड़ता है. सिंस y इज फंक्शन ऑफ x, तो तुमको पहला काम करना पड़ेगा, फाइंड dy by dx, और फिर दूसरा काम करना पड़ेगा ये जो भी आया एक बार फिर से इसको डिफ्रेंसिएट करना पड़ेगा. जो dy by dx आया उसको फिर से डिफ्रेंसिएट करो, dy by dx जो भी आया है उसको फिर से डिफ्रेंसिएट करो. इसको हम लोग कहते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन, लिखा जाता है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. अब देखो थर्ड है चेकिंग प्रोसेस. अगर तुम्हारा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर कहां, तो जो इसको जीरो करके आप x निकालते हैं ना, समझे क्या? अरे भाई देख, इसको जीरो करके हम लोग टाइम निकाले ना, तो dy by dx को जीरो करके कुछ x निकालिएगा ना. जब आप डबल डिफरेंशिएशन में x के जगह पे x नॉट लिखिएगा तो ये अगर पॉजिटिव आ गया तो y मिनिमम निकल रहा है, और अगर ये निगेटिव आ गया तो y मैक्सिमम निकल रहा है. अगर ये पॉजिटिव आ गया तो y मिनिमम निकल रहा है, और अगर ये निगेटिव आ गया तो y मैक्सिमम निकल रहा है. उल्टा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, निगेटिव आया तो मैक्सिमम. सर थोड़ा यूज करके बता दीजिए, बस यही तो है. अब देखो हम इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं. सी दैट क्वेश्चन, इफ पोजीशन ऑफ बॉडी इज फंक्शन ऑफ टाइम एज एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t, देन फाइंड टाइम व्हेन x इज मैक्सिमम और मिनिमम. हमको तो पता नहीं कि मैक्सिमम निकलेगा या मिनिमम. दूसरा, फाइंड दैट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ x, आप x के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का वैल्यू निकाल. ठीक है, चल पहले अब यहां पे हमको क्वेश्चन क्लियरली नहीं बता रहा है कि मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम, तो हमको खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा. डिसीजन लेने का तरीका इधर, तो चलिए भाई काम कर लेते. मेरे पास x क्या है तो 3t स्क्वायर माइनस 4t, तो सबसे पहले आप dx by dt करें, dx by dt को जीरो करें. ठीक है, तो आपका है d by dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 4t इज जीरो, सो योर आंसर इज 60 माइनस 4 इज जीरो, या फिर t इज इक्वल टू 4 बाय 6 एंड 4 बाय 6 मीन्स 2 बाय 3 सेकेंड्स. चलिए अच्छा है, ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जहां x मैक्स या मिनिमम हो सकता है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है मैक्स है या मिनिमम. तो अब हम करेंगे क्या ना, ये दूसरा स्टेप यूज करेंगे टू चेक x इज मैक्सिमम और मिनिमम. अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि x मैक्सिमम है या मिनिमम, फिर से जो डिफरेंशिएट करके आया था उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करके कितना आया था, डिफरेंशिएट करके 60 माइनस 4 आया था ना. अरे बोलो भाई. यस सर. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार फिर से d by dt ऑफ 60 माइनस 4 करेंगे. बोलो कितना बचा. जीरो. अरे 6 बचा यार, 60 का 6 होगा, 4 का ना 0 होगा, तो 6 बचेगा ना. नहीं समझा? समझ गया सर.
तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर सिक्स है, तो सिक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग क्या डिसाइड करके रखे हैं? वाई मिनिमम। हाँ, तो वाई में यहां क्या लिखेंगे? देयरफॉर एक्स इज मिनिमम, एक्स इज मिनिमम, समझे ना? तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम नहीं निकल रहा है, उसमें क्या निकल रहा है? मिनिमम निकल रहा है। तो चलो भाई अब आगे फाइंड दैट मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसको रफ नहीं करते, आप तो मिनिमम निकाल सकता है ना वैल्यू? हाँ बोलो सर, एक्स का ये साइन पॉजिटिव आएगा तो वाई मिनिमम हुआ। ओह, देखिए आप कंफ्यूज हो गए। वाई यहां एक्स का फंक्शन था तो हम वाई लिखे, लेकिन तुम्हारे इस क्वेश्चन में एक्स टाइम का फंक्शन है तो एक्स ना वेरिएबल है। जिनको डाउट था वो बात करो, क्या तुमको समझ में आया क्या बोले? यस सर। तो एक्स वेरिएबल है यहां, यहां वाई वेरिएबल। ओके ठीक है, कंफ्यूजन ही ना है? नहीं सर। तो एक्स इज मिनिमम। अब कोई बोलेगा कि एक्स का मिनिमम वैल्यू निकालो, तो बिकॉज मेरा एक्स कितना था 3t² - 4t, तो अगर हम एक्स का मिनिमम निकालना चाहते हैं तो 3t² - 4t में टाइम के जगह पे 2/3 पुट कर देंगे एंड योर आंसर इज 3, 2/3 का स्क्वायर माइनस 4, 2/3 मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वही आंसर। नोट करो फटाक से, समझ समझ के, कहीं डाउट हो बात करो, कहीं भी डाउट हो छोटा से छोटा डाउट जस्ट आस्क, जरूर पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा कि एक्स का मैक्सिमम निकालो तो ऐसे पुट कर देगा वहां पर? हाँ बिल्कुल, तब ये काम करने की जरूरत नहीं है, तब तुमको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, समझा? यस सर। पिछला दो क्वेश्चन में क्या था? पहले से ना मेंशन था। यस सर। तो हम लोग तो ये काम नहीं किए थे वहां? नो सर। हाँ तो ऐसे ही होता है, अगर पहले ही से लिख दिया मैक्सिमम निकालोगे तो क्यों करेंगे यार? क्वेश्चन अपने से सोच के बोल रहा मैक्सिमम निकाल, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा यहां से बात जैसे बनाना सीखे थे ना वैसे। अच्छे से समझना, हाँ एक बार क्वेश्चन करेंगे इस पर अच्छे से। ए वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज फंक्शन ऑफ पोजिशन एज बी इक्वल्स टू 3x - 4x² + 5, 3x - 4x² + 5, then find first position where velocity is maximum or minimum। हम फिर कंफ्यूजन में छोड़ दिए। और दूसरा find that maximum or minimum velocity make your mind, अपना दिमाग बना लो कि काम कैसे होना है, वैसे हम काम कर रहे हैं। For position, अगर हम चाहते position निकालना जहां v का value maximum या मिनिमम है, जहां भी का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, तो एकदम सिंपल सा तरीका है कि हम लोग भी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे और भी का 3x - 4x² + 5 का डिफ्रेंशिएशन करके जीरो कर। तो क्या ये 3 - 8x = 0 आ रहा? तो 3 = 8x या फिर x = 3/8 आया,
अब ये पोजीशन है लेकिन तुम कंफर्म नहीं है, ये पोजीशन आ गया लेकिन तुम ये कंफर्म नहीं है कि वहां भी मैक्सिमम है या मिनिमम है। पोजीशन तो आ गया, हाँ यहां या तो भी मैक्सिमम है, भी यहां या तो मैक्सिमम है या फिर यहां भी मिनिमम है, लेकिन हमको पता नहीं है, तो पता करने के लिए हम लोग दूसरा स्टेप चलते टू चेक बी इज मैक्सिमम और मिनिमम, चेक करना है कि भी मैक्सिमम है या मिनिमम। तो उसके लिए हम लोग सीखे हैं कि हम लोग फिर से जो dv बाई dx था उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d बाई dx लिए और dv बाई dx मेरा कितना आया था बोलो तो, देख के अपने से dv बाई dx कितना आया है, 3 माइनस 8x आया है। तो क्या ये डिफरेंशिएशन 0 माइनस 8 कहने का मतलब -8 आया, इसका मतलब yes. जो हम दूसरी बार भी का डिफरेंशिएशन किए वो निगेटिव आ गया ना, yes, sir. तो तुम्हारे थ्योरी के हिसाब से जब वो निगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम, मैक्सिमम। इट मीन्स देयरफॉर भी का वैल्यू जो आ रहा है वो मैक्सिमम है। नाउ वी आर कंफर्म कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम आएगा मिनिमम नहीं, क्या सही है? अब सेकंड बनाते हैं। तो मेरे पास भी था कितना, मेरे पास भी का इक्वेशन था 3x-4x² + 5। हमको भी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अब एकदम हम डेफिनेट है कि मैक्सिमम चाहिए। तो 3x-4x² + 5 में x के जगह पे 3/8 लिखे, तो ये वैल्यू हो गया 3 × 3/8 - 4 3/8 का स्क्वायर और +5, सो इट इज 9/8 -4 × 9/64 एंड +5 9/8 माइनस कितना हो गया 16 9/16 +5। तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मेरे भी का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है नीचे एलसीएम 16 2 से मल्टीप्लाई 18 माइनस 9 प्लस 89/16 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू है। क्या ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया तुमको? ठीक है ना, अच्छे से नोट करो, कहीं डाउट है फिर से पूछ लो। अगला क्वेश्चन तुमको बनाना, ध्यान रखना अच्छे से। हाँ बोलो, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी depends on time as F equals to 2t - 4t² then find first time when force is maximum or minimum, अपने से check भी करना, और दूसरा find that maximum or minimum force, आपको maximum minimum force भी निकालें। चलिए बनाइए आप लोग। (2t - 4t²) ओके,
लंबा चौड़ा है, मैक्सिमम आ रहा है। यस सर। तो वो तीन आंसर बताना होगा, सबसे पहला टाइम बताना होगा, फिर तुमको बताना होगा कि मैक्सिमम तुम निकाला या मिनिमम, और फिर तुमको वो वैल्यू बताना होगा। क्या आपका टाइम 1/4 आया पहला? यस यस सर। सबका आया जी? यस सर। अब आप चेक किए तो क्या तुम्हारा फोर्स का डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया? यस सर। यस यस। तो नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमम ना, मिनिमम नहीं ना? नो सर, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब फोर्स का तो आप पता चल गया कि आपको फोर्स का मैक्सिमम निकालना है, तो आप फोर्स के मैक्सिमम में 2 टाइम के जगह पे -4 टाइम के जगह पे स्क्वायर, तो मेरा टाइम कितना आया था 1/4 सॉल्व दैट, दिस इज 1/2 एंड -1/4 1/4 न्यूटन। क्या ठीक है? Yes, sir. सबका बना? Yes, sir. किसी का कोई डाउट? No. सब कोई अपने से सोच लो भाई, किसी का कोई डाउट? आज खत्म आपका बेसिक मैथमेटिक्स, अगले दिन से काइनेमेटिक्स से स्टार्ट। काइनेमेटिक्स द रियल फिजिक्स। अच्छा हम बोलवा के है ना, कल तक लोड करा देंगे, कल लोड हो जाएगा। ओके, कल लोड हो जाएगा। अरे परसों से बोल रहा था, परसों से बोल रहा था, वीडियो अपलोड अब तक नहीं हुआ। अरे नहीं होता है ना, क्योंकि तुम सोच यार तेरा ही रिजल्ट कल निकला था, तो कुछ स्ट्रेट है ना, उसका रिजल्ट निकला है, तो उस रिजल्ट को ना पहले आदमी ट्रस्ट करेगा, इसलिए कल इस पे कोई काम नहीं हुई है, आज नहीं हुई है, आज कल में हो जाएगा, एकदम रख लो हो जाएगा। इतने दिन का कुछ उधार है मेरे ऊपर? इतने दिन का कोई उधार उधार है? नो सर। नहीं ना, तो 2 दिन हुआ यार, 2 दिन कुछ काम था, 12 का रिजल्ट निकल गया, 10 का रिजल्ट लिख गया, आदमी सब उसमें लग गया। ठीक है, हो जाएगा, चिंता है, हो जाएगा। चलो ये समझ में आया ना? यस सर। तो चलो पॉजिटिव नोट्स के साथ इसको खत्म करते हैं, अगले दिन से काइनेमेटिक्स। और हम सबको एक चीज बता दें, इन्फॉर्म कर दें, आप भाई सबको वेक्टर अच्छे से देख लीजिएगा, और जो आप बेसिक मैथमेटिक्स अभी पढ़े हैं इसको देख लीजिएगा, बस इतना पढ़ के रखिए आप, देखिए आपको कितना मजा आता है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, वेक्टर फिर से बैठ के 2 घंटा 4 घंटा दे के हर चीज रिवाइज कर जाओ, बेसिक मैथमेटिक्स सब फॉर्मूला रट जाओ, बस इतना देख के रखो और फिर देखो फिजिक्स का मजा। अगर नहीं देख के रखेगा फिर देखना फिजिक्स का सजा, ये भी बात। ठीक है, तो खाली 2 को चैप्टर पढ़ लिया है, अच्छे से याद करके बैठ जाना, एकदम मजा आएगा, और अगर नहीं पढ़ के आएगा तो बहुत बहुत टेंशन में रहेगा। ठीक है, अब देखो हर बार, अब हम कैसे, हम आपको ऐसे ही बता देते, हम कितना आराम से भी आंसर लिख दिए, अब हम यहां कितना आराम से इसको तुरंत हटा के इसको डिफ्रेंशिएट करके ऐसे लिख दिए, तो ये सब जो उसको याद है, जिसको पता हो तुरंत ग्रिप करेगा, यहां कैसे लिखे, और जो लोग नहीं पढ़ा होगा ना उनको लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, और हर बार तो पूरा चीज लिख के पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना। सो नेक्स्ट डे से काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ के आइएगा, जो बोल दिए वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? यस सर।